नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। पाइथन सीरीज़ में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिखाया था कि पाइथन बना कैसे, किसने बनाया वगैरह वगैरह। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फीचर्स बताना चाहूँगा कि पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, एक तो ये सिंपल है, सिंपल मतलब ईजी टू यूज़ है। इससे पहले आपने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनके कंपैरेटिवली पाइथन इट्स फार इजी और प्रोग्रामिंग के सोर्स कोड को भी छोटा कर देती है। जैसे कि कई लैंग्वेजेस के अंदर कोई काम अगर 10 लाइन, 20 लाइन, 25-30 लाइन में हो रहा है, वहीं पाइथन के अंदर 5-10 लाइन में हो जाता है। तो सिंपल सिंपल है और इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, आप लोग चाहें तो उसको कॉपी में उतार सकते हैं। और मॉडर्न लैंग्वेज है, इट्स अ मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज इन द सेंस कि जो आजकल के प्रोग्रामर, जो आजकल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आजकल के वेब डेवलपर जिस टाइप की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, जो आजकल के ऐप डेवलपर जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, वो ये पूरी कंप्लीटली फुलफिल करती है। चलिए ये दूसरे फीचर्स पे आते हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ये, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकती है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकती है। मान लीजिए आप विंडोज 7 पर काम करते हैं, आपने पाइथन के अंदर कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना चाहते हैं, आसानी से रन हो जाएगा। उस सॉफ्टवेयर को आप लोग मैकिंटोश पर रन कराना चाहते हैं, एप्पल मैकबुक पे आराम से रन हो जाएगा। एंड्रॉयड पर रन कराना चाहते हैं, एंड्रॉयड पर रन हो जाएगा। और बहुत से उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाएगा जो अभी तक बने नहीं है। तो आई होप आप लोगों को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बात को समझिएगा और अच्छे से इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। जैसे विंडोज है, मेरा मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मोस्टली नहीं होते हैं, वो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। आप लोग चाहो कि लिनक्स पे चल जाएं, नहीं चलेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेंगे, मैक ओएस पे चल जाएं, मैक ओएस पे नहीं चलेंगे, बट इट्स अ टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लोगों को समझनी है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ये एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो भी, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, जैसे एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और डेटा एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें फुलफिल करती है ये लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट, इट्स अ कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाँचवीं चीज़ ये, इट्स अ ह्यूज स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये आपको ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है ये लैंग्वेज। देखिए, आप बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं आप, तो जिस टाइप की उसको कंप्लीट कराने में जिस टाइप की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जिन लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जो फंक्शंस चाहिए, जो मेथड्स चाहिए, जो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, वो कम्प्लीटली फुलफिल करा देगी। और इसके अंदर काफ़ी एडवांस और बेटर फीचर है कंपैरेटिवली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। छठी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इट्स अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कई लैंग्वेजेस जो होती हैं कंपाइलर बेस्ड होती हैं, बट ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या होता है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जब भी हम इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन कराते हैं, तो वो एक बाइट कोड इंटरनली जनरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। बाइट कोड, वो जो बाइट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन हो जाता है। और बाइट कोड जो होता है वो और दूसरी फ्रेमवर्क के साथ भी बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होता है कंपैरेटिवली, जैसे कि .NET फ्रेमवर्क, जावा फ्रेमवर्क, सी फ्रेमवर्क, एनी अदर फ्रेमवर्क के साथ में भी बहुत ही अच्छा फैमिलियर होता है।
तो आई होप आप लोगों को इंटरप्रेटेड का भी मतलब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ पैथन, इसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशन बन सकती हैं। एक तो मशीन लर्निंग, जितनी भी आजकल डिमांड बढ़ती जा रही है मशीन लर्निंग की, तो उसमें पैथन सबको पीछे छोड़ती जा रही है। मशीन लर्निंग पर्पस के ऊपर भी बहुत काम में आती है। और तीसरी चीज़ है इंटरनेट ऑफ थिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था गूगल इसके ऊपर काम कर रहा है, फेसबुक इसके ऊपर काम कर रहा है, ये सारी बातें, जितनी भी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो है जो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, वो इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। तीसरी चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, एनालाइजिंग ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा कहने का मतलब है कोई भी बड़ा डेटाबेस है उसको हैंडल करना है, तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ पायथन। देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अपना अलग अलग वर्क होता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कंट्रोल करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क एंड इजी वर्क। तो पैथन तो इसलिए ज़्यादातर मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज जो है पैथन को धीरे धीरे अडॉप्ट करती जा रही हैं। अब बात करते हैं हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो की। देखिए जो भी प्ले स्टोर के अंदर मोस्टली जो एप्लीकेशंस जो बन रही हैं, भले ही आप लोगों का इंस्टाग्राम है वो पैथन में बना है, और ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स भी पैथन में बना है, और भी बहुत सारे एप्स हैं जो पैथन के अंदर बने हुए हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पैथन। सेकंड नंबर पे आती है, पहले नंबर पे शायद जावा है, आई डोंट नो मोर बेटर इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दिस थिंग्स। और आप लोगों को पांचवी बात, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का भी मैंने जैसे कि अभी अभी आप लोगों को एग्जांपल बताया था कि जैसे फेसबुक काम कर रहा है, गूगल काम कर रहा है, ड्रॉपबॉक्स काम कर रहा है, याहू काम कर रहा है, मोज़िला काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि नासा तक काम कर रहे हैं, तो ये सब बातें हैं इसके अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़, ये कंसेप्ट समझ में आया होंगे। अगर कोई चीज़ कोई सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम इससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।